तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल की। और जैसे कि हमने इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट लास्ट कुछ क्लासेस में क्लियर किए थे, आज हम उसी से आगे की चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आज हम होम मेनू बार के बारे में बात करेंगे। और बता दूं सर, आज हमने विंडो 11 डाउनलोड किया है और आज जो क्लास हम दे रहे हैं विंडो 11 पे 24th को रिलीज हुई है। हालांकि मार्केट में नहीं आया है, लेकिन मुझे इसका जो है एक लीक वर्जन मिला था, तो मैं अपने सिस्टम में डाल के देखा कि कैसा है। अगर अच्छा होगा तो फिर इसको परचेज करने की सोची जा सकती है। तो चलिए आप विंडो 11 के फीचर्स को भी देख लेंगे और एक्सेल के फीचर्स को भी देख लेंगे। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आप लोगों को शेयर करता हूँ। और एक्सेल फाइल हम ओपन करते हैं। और एक्सेल फाइल में यहाँ हमारे सामने जो आपके पास दिख रहा है वो दिख रहा है होम मेनू बार, और हमने फाइल मेनू बार को कवर करके होम मेनू बार में आ चुके हैं। होम मेनू बार में यहाँ हम अपने नेम्स वगैरह देते हैं, जैसे कि एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ, क्योंकि छोटे डेटा पे आपको फॉल्ट जल्दी पता चलता है, इसलिए छोटा डेटा मैं बनाता हूँ ताकि आप जो है उसको ईजिली समझ सकें। तो एक छोटा सा डेटा हमने बनाया है और इसमें हम कुछ फंक्शंस भी अप्लाई करते हैं। और आगे वाले आने वाली क्लासेस में ध्यान रखिएगा, हम एक फॉर्मूला जो कि रैन बिटवीन है उसका ज़्यादा यूज करते हैं। रैन बिटवीन फार्मूला क्या करता है, रैंडम नंबर देता है, ठीक है सर, और ये अपने आप को हर बार चेंज भी करते रहता है। तो ऐसे डमी डेटा या फिर इसमें इसके लिए डमी डेटा हो गया या फिर ट्रायल डेटा हो गया, इस सब चीज़ों के लिए इसका यूज हम करते हैं, इसको कलर भी करें। अब जनरली होता है कॉपी एंड पेस्ट, आपने डेटा को कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो कॉपी एंड पेस्ट में क्या होता है कि जैसा कॉपी है उसी तरह का पेस्ट होता है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना, जो ये जो पूरा डेटा है, जो पूरा डेटा आपको दिख रहा है, इस पूरा डेटा में से हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट स्पेशल में बहुत सारे ऑप्शन हैं, चलिए वन बाय वन इन ऑप्शन के बारे में जानते हैं। पहला है फॉर्मूला, फॉर्मूला जो कि फॉर्मूला मेनू बार को यहाँ पे पेस्ट करता है। आप बोलेंगे सर फॉर्मूला पेस्ट किया इसने, यहाँ नेम में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूला के मतलब हुआ जो यहाँ जो फॉर्मूला बार है, इस फॉर्मूले बार के अंदर जो विजुअल है उसको पेस्ट करता है। मैंने पहले बताया कि जो फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार के जो डेटा को दिख रहा है उसको पेस्ट करता है, या फॉर्मूला है या वैल्यू है, बट फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं लेके आएगा। लेकिन आपको चाहते हैं कि जस्ट इसकी वैल्यू पेस्ट करना, तो पेस्ट स्पेशल में आप पेस्ट ऐसे वैल्यू कर सकते हैं। अब यहाँ नंबर चेंज हो रहे हैं तो इसके लिए आप थोड़ा सा परेशान मत होइए, रैन बिटवीन का फॉर्मूला है, ये अपने आप को हमेशा अपडेट करता है, तो ये थोड़ा सा होता रहेगा, तो इसको इग्नोर कीजिए। अब यहाँ पे जो आगे हम बढ़ रहे हैं और इसके ऑप्शन पे चलते हैं कि हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि आपका डेटा फॉर्मूला रिमूव होके यहाँ पेस्ट किया, लेकिन मुझे फॉर्मूला रिमूव करना है जहाँ मेरा डेटा है, मुझे इसको कॉपी करके किसी और लोकेशन पे नहीं ले जाना है, इसका फॉर्मूला जस्ट रिमूव करना है। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि इसका फॉर्मूला रिमूव हो जाता है। अब इसका यूज हम अपने ऑफिशियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा करते हैं, अभी मैं आपको एक फाइल ओपन करके बता रहा हूँ, एक
मैं आपको फाइल ओपन करता हूँ। चलिए इसी फाइनेंशियल डैशबोर्ड को ही ओपन करता हूँ या सेल्स फ्लो। आपके सामने एक रिपोर्ट ओपन हो गई है। अब मुझे इस रिपोर्ट को किसी को मेल करना है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये रिपोर्ट कनेक्टेड है मेरे डेटा शीट से और मैं किसी को डेटा नहीं भेजना चाहता। डेटा बहुत बड़ा है, मेल पे नहीं जाएगी, या फिर डेटा सिक्योर है, हम शेयर अनशेयरेबल डेटा हम शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि हम पहले सीट के ऊपर राइट क्लिक करके करेंगे मूव और कॉपी, और मूव एंड कॉपी में क्रिएट कॉपी को सिलेक्ट करेंगे और इसको न्यू बुक को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो ये क्या करेगा, एक नई फाइल में, जी हाँ, एक नई फाइल में आपके पूरे पिवट को डाल देगा, लेकिन अभी भी एक कनेक्टेड है हमारे उस फाइल से। अब मेरे सिस्टम में फाइल एग्जिस्ट करता है तो यहाँ रिपोर्ट्स पूरी दिख रही है। हो सकता है कि आपके सिस्टम पे ये एग्जिस्ट ना करती हो तो ना दिखे। तो इसका सलूशन क्या है, सबसे पहले तो इसमें रो एंड कॉलम हाइड है उसको अनेबल करना होगा। उसको हम पेज लेआउट से भी ले सकते हैं या फिर एक्सेल के ऑप्शन में जाके भी कर सकते हैं। हेडलाइन पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे दिख गया। अब ये जो वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल है इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चार्ट्स भी है, कुछ इमेजेस भी है, इसमें आपका रैप भी है, तो मुझे इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसा फॉर्मेट, जिस तरह का फॉर्मेट है सेम उसी तरह का फॉर्मेट हो, हमें जस्ट फॉर्मूला रिमूव करना है। तो हमने इसको कॉपी किया और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू करके ओके कर दिया। अब यहाँ आप देखेंगे कि किसी भी तरह का कोई फॉर्मेटिंग मेरा चेंज नहीं हुआ है और हमारा हर एक फॉर्मूला रिमूव हो गया। चार्ट, रैप टेक्स्ट, ड्रॉप डाउन जैसा है सेम उसी तरह से रहा, बट चेंज क्या हुआ, हमारी फॉर्मूला। तो राजेश जी एंड राधेश्याम जी, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर। चलिए, इसका बेनिफिट हम अपने ऑफिशियल लाइफ में आराम से करते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो इसमें छोटे मोटे ऑप्शन उसको एक बार देख लेते हैं। कॉपी करते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए यहाँ पे फॉर्मेट, हमने फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट पेस्ट हो गया। राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में हमने यहाँ पे कमेंट्स एंड नोट्स, कमेंट्स क्या होता है, एक हिडन वैल्यू होती है। राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे न्यू कमेंट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, हाई लिखा आएगा। अब इस पर कर्सर रखेंगे तो हाई यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ कमेंट्स को पेस्ट किया जाए, तो इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में मैं यहाँ पे कमेंट्स एंड नोट्स को क्लिक करके ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपके कमेंट्स एंड नोट्स ही पेस्ट हुआ, बाकी डेटा पेस्ट नहीं हुआ। ओके, यस। उसके बाद क्या होता है कि हम बॉर्डर पेस्ट नहीं करना चाहते, हम सिर्फ डेटा पेस्ट करना चाहते हैं, बॉर्डर पेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर क्लिक कर दीजिए, आपका बॉर्डर पेस्ट नहीं होगा। अब क्या है कि जैसे देखा था थोड़ी देर पहले जो रिपोर्ट हमने ओपन की थी उसमें कॉलम्स को छोटा किया गया था, क्या होता है कि हम लोग अपने कॉलम को ऑटो फिट कर लेते हैं या फिर अपने साइज़ के हिसाब से छोटा कर लेते हैं ताकि मेरे हिसाब से विंडोज़ पे या फिर एक पेज की प्रिंट आउट पे दिखे। लेकिन जब उसको कॉपी करके किसी भी फाइल, सेम शीट अनदर फाइल पे डालते हैं तो आपका कॉलम विड्थ पेस्ट नहीं होता।
कॉलम विड्थ करने के लिए पेस्ट स्पेशल में यहाँ आपको कॉलम विड्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके कॉलम विड्थ पेस्ट होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब पेस्ट स्पेशल आप करते हैं, कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करते हैं, तो कॉलम विड्थ ही पेस्ट होता है, डेटा पेस्ट नहीं होता है। तो डेटा पेस्ट करने के लिए आप दोबारा पेस्ट कर लें, या फिर एक और तरीका है कि इसके ऊपर राइट क्लिक किया जाए, पेस्ट स्पेशल में जो आइकन्स होते हैं, ये जो आइकन्स है आपका कीप सोर्स कॉलम विड्थ कर्सर लगता है यहाँ पे दिख रहा है सर, तो इस पर हमने क्लिक करके करेंगे तो आपको क्या होगा, डेटा भी पेस्ट होगा और दोनों पेस्ट होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा बात है तो हमारे पास में डेटा में डेट्स भी है, डेट्स एंड या टाइम है, तो जब डेट्स और टाइम होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब उसको हम लोग उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह फॉर्मूले वगैरह हटाने के लिए जब पेस्ट एज ए स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, तो यहाँ पे वो नंबर्स आता है। अब समझना है कि नंबर्स होता क्या है, ये नंबर्स होता क्या है, तो ये नंबर्स जो होता है नंबर ऑफ डेज होता है, जैसे कि एक दिन, मतलब इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जैन 1900, देखिए एक दिन मतलब 1 जैन 1900। अभी वो साबित करने के लिए आप यहाँ पे 31 डालें तो देखिए 31 जैन आ रहा है, 36 डालें तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 85 डालें तो देखिए चेंज हो रहा है, ऐसे ही आप यहाँ पे 367 डाल दीजिए तो ईयर चेंज हो गया, तो 444 09 डालिए तो ये आपका 1 अगस्त आ जाता है। तो यहाँ प्रोग्रामर ने ऐसा किया क्यों, तो ये क्या है ना कि एक्सेल में किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नंबर और टेक्स्ट पे नहीं की जा सकती, नंबर और टेक्स्ट पे किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। तो डेट पे कैसे होता है, क्योंकि डेट देखिए नंबर ही है ना, इस पर हम +20 करते हैं तो रिजल्ट आता है, ऐसा इसलिए कि जब डेट टाइप करते हैं तो डेट टाइप नहीं होता है, वो टाइप होता है नंबर, और रिजल्ट जो आता है वो आता है नंबर, ठीक है, रिजल्ट क्या आता है, नंबर आता है, ऐसा इसलिए किया गया। तो इसका सलूशन ये है कि जब आप पेश करो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे डेट बाकी फॉर्मेट नहीं चाहिए, डेट का फॉर्मेट चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ वैल्यू या फॉर्मूला की जगह पे फॉर्मूला एज वैल्यू नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करें एंड देन ओके करें, तो आपका कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, लेकिन जो डेट एंड टाइम की फंक्शन नंबर की फॉर्मेट होती है, जैसे कि डेट हो गया, टाइम हो गया, नंबर की फॉर्मेटिंग हो गई, डेसिमल्स हो गए, ये जो फॉर्मेटिंग जो नंबर की फॉर्मेटिंग होती है वो फॉर्मेटिंग इसमें आएगा, ठीक है सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला सर एक छोटा सा सवाल है, हाँ पूछिए, जैसे एक डेटा में सर डेट भी हो और नंबर्स और सारी चीजें हो, हाँ। और एक एक जगह दूसरी जगह पेस्ट वैल्यू स्पेशल लगा के ले जाते हैं तो सम टाइम नंबर्स तो सही चले जाते हैं, टेक्स्ट भी सही चला जाता है, बट डेट डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, तो नंबर नंबर वैल्यू, अब वहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करते हैं ना, तो वैल्यू जो नंबर फॉर्मेट लिखी है सर वहाँ पे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, हाँ ओके ठीक है, चलिए अब अगला जो है इसमें आपको रिसर्च में देने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 20 है यहाँ पे 30 है, जब हम 20 को कॉपी करके 30 पे पेस्ट करते हैं तो 30 रिप्लेस बाय 20, जनरली यही होता है, लेकिन जब हम पेस्ट स्पेशल में हम यूज करते हैं यहाँ ऑपरेशन, ऑपरेशन वाला सेगमेंट में जो कि बाय डिफॉल्ट नन सेलेक्ट होता है, इसके जगह पे हम ऐड को सिलेक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है और 50 यहाँ पे पेस्ट होता है। अब आपको इसका एक दो ऑफिशियल यूज बताना है कि ऑफिस में क्या करें ताकि इससे बेनिफिट हो,
ठीक है सर, जी। आज की रिकॉर्डिंग सेव हो गई है, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखें, प्रैक्टिस करें, रिसर्च करें और उस रिसर्च से जो रिजल्ट निकलता है उसका मेल कर दें ताकि मैं देखूं और फिर मैं कल अपना तरीका बताऊंगा कि मैं अपने ऑफिस में इसका कैसे यूज करता था। ठीक है सर? श्योर। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर देख ही रहे आप, कॉल कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके सर, कुछ